तस्वीर में दिख रही ये लक्ष्मी देवी भाग्यशाली रही कि उसकी जान बच गई, अन्यथा गोफ में तो वो समा ही गई थी। उसकी हिम्मत, साहस और चतुराई के आगे मौत हार गई। दरअसल धनबाद में इस साल रिकॉर्ड बारिश हुई। बारिश की वजह से कोलियरी इलाकों में जगह जगह गोफ बन रहे थे। देर से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार की सुबह महुदा के मुरलीडी नीचा टोला में एक घर के ठीक आगे बड़ा आकार का गोफ बन गया। महिला उस समय दरवाजे पर झाड़ू दे रही थी, जमीन धंसने से वो भी समा गई, लेकिन शोर मचाने के बाद उसकी जान बच गई। हम झाड़ू मारते मारते घुस गए, इतना मतलब कमर के जितना। हाँ, उसके बाद उसको पकड़ लिए थे और उठ गए। गोफ का आकार देखकर कोई भी डर जाएगा। जब गोफ में मिट्टी की भराई शुरू की गई, तो पानी रिसने लगा। वहाँ पहुँचे कोयला कर्मियों ने जब धसी मिट्टी को नापा तो उनके होश उड़ गए। एक पूरा बांस उस गड्ढे में समाया जा रहा था। मिट्टी भराई से अगल बगल के घरों में पानी रिसने लगा। इसके बाद ग्रामीणों ने विरोध किया तो मिट्टी भराई का काम रोक दिया गया। जहाँ मिट्टी धसी है वहाँ अगल बगल रहने वाले लोग सुरक्षित स्थान पर पुनर्वासित करने की मांग कर रहे हैं। कोलियरी क्षेत्र का हाल तो ये हो गया है कि जब कहाँ जमीन फट जाए, घर जमीन दोज हो जाए, सड़क गड्ढे में समा जाए, कोई कह नहीं सकता। जगह जगह ऐसी घटना हो रही है। मधुबन थाना के पीछे महेशपुर फुटबॉल मैदान में लगातार गोफ होने से ग्रामीणों में दहशत है। इधर निरसा थाना क्षेत्र के पिठा क्यारी पांडे टोला में भी जोरदार आवाज के साथ जमीन फटने से गोफ बन गया। कई घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। अग्नि प्रभावित भौरा 4A पैच परियोजना के समीप से गुजरी कच्ची सड़क में भी गोफ बन गया। भारी मात्रा में गैस का रिसाव हो रहा है। इधर महुदा की घटना ने तो सबको चौंका दिया है। हालत ये है कि कोलियरी क्षेत्र में जाने से अब लोग डरने लगे हैं। लेकिन मजबूरी देखिए कि खतरनाक इलाके में भी लोग जान जोखिम में डालकर रह रहे हैं। उनके जीवन पर हर मिनट सेकंड खतरा बना हुआ है। सवाल उठता है कि वो जाए तो कहाँ जाए। संशोधित झरिया मास्टर प्लान को अभी अनुमति मिलने का इंतजार है। इस वजह से पुनर्वास का काम भी लगभग ठप है। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।